हाय दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। तो आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। टॉपिक तो क्या है कि ALP की भर्ती है 2024 वाली, जिसके अंदर 5696 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 20 जनवरी मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं और 19 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इसके अंदर, अब कई स्टूडेंट के कंफ्यूज चल रहा है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या है कि एक तो 10th है, 10th के साथ क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निकल का 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और BE या BTEC होना चाहिए या फिर एक अप्रेंटिस और होता है रेलवे में अप्रेंटिस, यदि वो भी आपके पास है तो आप ALP वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इसके अंदर ट्रेड हैं ITI की, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं कौन कौन सी ट्रेड हैं वे सभी। और जो इसकी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही है वह भी मैंने PDF में डाल दी है और सिलेबस भी इसका PDF में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसकी एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट क्या है, 18 से 30 वर्ष है। ठीक है, पिछली बार क्या था कि 18 से और 28 18 वर्ष से 28 वर्ष तक लिया था 2018 में, लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही 2 वर्ष बढ़ा दिया। और अपन ने एक ट्विटर ट्रेंड भी करवा रखा है जिसके अंदर अपन ने रेज रिलेक्शन और जो भी ALP की जो पोस्ट बढ़ानी है उसके लिए ट्विटर ट्रेंड भी किया है और नंबर 1 पर वो ट्रेंडिंग भी कर रहा है। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी जाओ अपने ट्विटर पर और एक ट्वीट अपने भविष्य के लिए जरूर करके आओ। यह हमारी नहीं, हम सब की लड़ाई है और इसमें हम सबको भागीदार होना चाहिए। तो अब इसकी ये होगी एज लिमिट, जो काउंट कब की जा रही है, 1 जुलाई 2024 से इसको काउंट किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, जो भी अपनी एज के अंदर छूट दी है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, तो OBC वालों को तो 3 वर्ष की छूट है, तो OBC वाले 33 वर्ष तक के जो भी विद्यार्थी हैं वो ये फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की, EWS को 3 वर्ष की और URPWD को 10 ईयर की छूट दी गई है। ठीक है, अब ये तो हो गई आयु और क्वालिफिकेशन की बात। अब मेन चीज क्या है इसके बाद, ये तो वही जो भी नोटिफिकेशन ने अपने देख भी लिया होगा। ठीक है, अब क्या है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, बहुत मतलब असली बात तो यही है सिलेक्शन दिलाने की कि भाई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, CBT फर्स्ट होगा। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाई होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वालिफाई होगा। उसके बाद होगा CBT 2, जिसके अंदर इसके 15 गुणे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होगा CBT 2, और CBT 2 के बाद में आएगा CBAT कॉमन बेस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको अपन साइको टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर फिगर्स होती हैं, उनको छांटना होता है। ये ओनली क्वालिफाई है। ठीक है, और मेरिट बनेगी CBT 2 के आधार पर। ठीक है, उसके बाद होगा ये मेडिकल, और उसके बाद मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, और वहीं आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं अब इसके बाद इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, इसके अंदर सिलेबस क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर, ये इसका सिलेबस है। ठीक है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। चयन प्रक्रिया में अपन को एक CBT फर्स्ट देना होगा, एक CBT 2 देना होगा, उसके बाद CBAT देना होगा, साइको जिसको बोलते हैं अपन, उसके बाद मेडिकल, और फिर क्या होगा इसका मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इन चरणों से अपन को गुजरना होगा। अब सबसे मेन बात करते हैं अपन कि भाई CBT फर्स्ट में क्या क्या आएगा। CBT फर्स्ट में आएगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसमें मैथ्स आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और साइंस आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और करंट अफेयर और ये जनरल नॉलेज आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो टोटल पेपर अपना कितना होगा,
75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे, जो दिया होगा अपन को टाइम दिया होगा 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में अपन को 75 क्वेश्चन करना होगा। अब इसके अंदर देखिए एक चीज और है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। यही चीज है ना रेलवे को सबसे ज्यादा पीछे छुड़ाती है स्टूडेंट्स को कि 1/3 ये मामूली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत टफ नेगेटिव मार्किंग है कि 3 क्वेश्चन गलत होते ही एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इसकी कट ऑफ भी पहले भी कम गई हुई है आपके। मैं बता दूं कि भाई जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है ना वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जरूर देखना और वो आप देख लेना प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, ठीक है। तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका ओनली क्वालिफाई है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। यदि आपके जो 75 मार्क्स का पेपर है ना, इस 75 मार्क्स में से यदि आपके जनरल कैंडिडेट हो तो 40% मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं तो आपकी मतलब OMR जांच नहीं होगी। और OBC को 30%, SC ST को 30%, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। यदि इससे कम आप लेके आते हो तो आप CBT फर्स्ट में वैसे भी बाहर हो, ठीक है। उसके बाद CBT टू में क्या होगा कि मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, ठीक है। ये तो आएगा पार्ट ए में, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट तो आएंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी में आएगा ट्रेड टेस्ट जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स और 60 मिनट में, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के, और रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और बेसिक साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और टोटल कितने हो गए, ये 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स हो गए। यही अपने पर, इसी के ऊपर मतलब मेरिट बनेगी अपनी, फाइनल जो भी मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के हैं 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद अब यदि आप यहाँ से ये भी क्वालिफाई करते हो तो आपको एक CBAT देना होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको नोटिफिकेशन में बता दिया, सबसे ऊपर हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि A1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी तैयारी की, कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अपन अपने चैनल पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चला रहे हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी जो कंटेंट है रेलवे का अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं पहले भी जो सीरीज चला रहा हूँ वो भी आप देख लेना, वह भी मेरी एक कंप्लीट वे प्रॉपर वे में ही है, ठीक है। और जो अब जो रेलवे ALP का है ना, आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि आप भी एक बार डेमो क्लास लेके जरूर देखना कि कैसा कंटेंट मिल रहा है। कल से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अपने पास सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी। अब देखिए मैथ और रीजनिंग का कितना रोल है इसमें, ठीक है। ALP में मैथ और रीजनिंग का कितना रोल है और आपको कैसे इसके मार्क्स बूस्ट करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको कंप्लीट एक तरीके से साथ लेके चलूँगा। देखिए 25 और 20 45 क्वेश्चन हो गए मैथ रीजनिंग की, ये तो CBT फर्स्ट में है, और इसमें 50 क्वेश्चन ये हो गए, तो कितने हो गए अपने 94 क्वेश्चन हो गए और 94 नंबर, ठीक है। अपन एवरेज दोनों CBT फर्स्ट और CBT सेकंड की बात करें तो, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर के लिए यदि आप पूरा मतलब पढ़ते हो, कोई क्लास लेते हो, मात्र आपको 10 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ना होगा, आपका टाइम खराब हुआ। सबसे ज़्यादा फोकस करना आप इन 3 सब्जेक्ट पर। और साइंस की है, साइंस की आपको बेस्ट क्लास मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जिसकी मैं कल क्लास डलवा दूंगा अपने YouTube चैनल पर ही। साइंस आपको कंप्लीट तैयार करवाई जाएगी, चाहे वो मैथ रीजनिंग साइंस तीनों, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए भी मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, ठीक है। उस चीज इसके भी मैं इस टाइप से आपको चीज़ें दूंगा कि ये नंबर भी आपके कवर हो पाए। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट है ना, ये आप बेफिक्र हो के निडर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। यदि आप ये मेरे से आसपास नज़दीक के हो तो आप
मेरे से ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपन यहाँ पे बैच अपनी कोचिंग में बैच भी चला रहे हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप YouTube चैनल पर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना ये मैटर हो गया। इसके अंदर 50 नंबर की तो ये है, ठीक है, मैथ रीजनिंग है, और 40 नंबर की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली चीज़ भी यही है, ध्यान रखना। यदि देखो तीनों का रेशियो कितना हो गया भाई, 40 ये हो गया और 50 ये हो गया, 90 नंबर हो गए आपके। ठीक है, अब इनमें से आप कितने करते हो ये आप पर डिपेंड है। बाकी मैं मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आपके, वही अपना तो टारगेट कि 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर ही आना, अपना लेके आना अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ऐसी अपनी रणनीति रहेगी। मैं आगे भी आपको इस चीज़ के बारे में बताता रहूँगा, जो भी कोई जानकारी होगी वहीं शेयर करता रहूँगा। तो आप अपने YouTube चैनल पर ज़रूर विजिट करें और क्लासेस देखें कैसी लगे आपको। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको कि एक तो जो भी इसका नोटिफिकेशन है और इसका सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है और जो भी इसकी ट्रेड्स हैं, ये सभी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल, या तो आप डाल लेना मैथ्स बाय संदीप सर, मैथ्स बाय संदीप सर ये डाल के, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मैं यही आशा करता हूँ किसी भी प्रकार की कोर्स की संबंधी आपको समस्या हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो मैंने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे हैं, तो आप कोई भी क्यूरी हो आपकी तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत आपको बधाई और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखना। ऑल द बेस्ट।